हेलो बच्चों, मेरे हिसाब से आप सब नीट का पेपर दे ही चुके हैं, या जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया होगा उसमें अपीयर हो चुके होंगे। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार नीट के लिए नए सिरे से सपना बुनेंगे, नए सिरे से सपना देखना शुरू करेंगे, नए सिरे से सोचेंगे कि मुझे नीट का एग्ज़ाम देना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी 11th में होंगे और आगे के लिए नीट के बारे में सोच रहे होंगे। देखिए, जब नीट का एग्ज़ाम जिस दिन हुआ था ना बेटा, उस दिन हम लोगों ने नीट का कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक था कि कंप्लीट डिटेल एनालिसिस के साथ, और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बच्चों के दिमाग में था कि ये पेपर का लेवल इन्होंने टफ कर दिया था उन क्वेश्चंस ने बेसिकली, या कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जिन्हें बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि कॉन्ट्रोवर्सियल हैं, या ऐसे भी बोल रहे थे कि अलग अलग कोचिंग में उसके अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, अलग अलग आंसर दिए गए हैं। तो हमें समझना ये है कि आज का ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इसका मेन उद्देश्य ये है, ये जानना कि केमिस्ट्री में पेपर का पैटर्न क्या है। अगर कहीं भी कोई क्वेश्चन आया है तो उसके पीछे का थीम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनता है या नहीं बनता है, क्या अलग अलग कोचिंग के दिए गए आंसर सही होते हैं। जैसे बस मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, कभी डिस्कस करने पेपर बीच में कई बार आए भी, तो उनका ये था कि सर उस कोचिंग ने ये आंसर दिया है, उस कोचिंग ने ये आंसर दिया है। मेरा सिंपल उन बच्चों से एकमात्र ये स्टेटमेंट कहना था कि बेटा, कोचिंग तय नहीं करेगी कि आंसर क्या है, जो सही तरीके से आपकी बेस बुक है वो कौन सी बुक है, वो आपकी एनसीईआरटी है। तो फाइनली आंसर एनसीईआरटी से मैच होना चाहिए, एनसीईआरटी का आंसर होना चाहिए, और उससे भी बढ़कर कहीं जो एग्जैक्ट आंसर है, जो रिसर्च बेस्ड है, जो एनालिसिस है, जो डिफरेंट डिफरेंट अच्छी बुक्स में, अच्छे ऑथर्स में और अच्छे साइंटिस्ट के थ्रू चीज़ें कही गई हैं, हमें उस पर फोकस रहना है। और वो तब हो पाएगा जब आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी की बात करेंगे, जब कॉन्सेप्ट बेस्ड डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो कम्प्लीटली मैं उन्हीं के लिए है, जो एकदम नए बच्चे होंगे उनके लिए तो ये बहुत काम का वीडियो होगा, जो ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, कहीं ना कहीं ये मिला चुके होंगे पेपर, और फिर ये हो सकता है कि मार्क्स कम आ रहे हो, किसी वजह से उन्हें रिपीट करना पड़ रहा हो, ऐसे बच्चों के लिए वीडियो बहुत काम का होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर पेपर का लेवल क्या था, हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन तो करेक्ट है, बाकी तीन ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ना, तो वो तीनों ऑप्शन जब इनकरेक्ट हैं तो वो किसके सही आंसर हैं, और उनके पीछे पूछे जाने का एग्जामिनर का माइंड क्या था, क्या सोच रहा था वो, इन सब के बारे में हम लोग प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हमने टॉपिक का नाम भी यही रखा है, डिटेल पेपर एनालिसिस एंड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चंस। ये केमिस्ट्री नीट 2023 का पेपर है, और मैं आपका मेंटर डॉक्टर आदित्य पांडे कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। आइए हम वन बाई वन इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें, एक एक क्वेश्चन करके। मैं सेट E4 का डिस्कशन कर रहा हूँ, बट स्पाइट ऑफ सेट का नंबर नाम, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन वन बाई वन आप देखिए, हर क्वेश्चन की थीम समझिए। यहाँ पर 51 क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं बेटा। पहला स्टेटमेंट कहता है यहाँ पर कि अ यूनिट फॉर्म बाई द अटैचमेंट ऑफ, यहाँ जिस हिसाब से दिया गया है स्टेटमेंट आप उसको ध्यान से देखिएगा, बस आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछे जाने का थीम क्या है यहाँ पर, है ना। आइए देखते हैं, पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन प्राइम पोजीशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। दूसरा स्टेटमेंट है, वन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू अ फॉस्फोरस एसिड एट 5 प्राइम पोजीशन ऑफ सुगर मोइटी, वी गेट न्यूक्लियोटाइड। अब आंसर छोड़िए, प्रॉपर टाइम लेकर के, अगर आपको सच में इंप्रूवमेंट भी चाहिए, केमिस्ट्री सीखना भी, और आपको ये भी लगे कि यार हम अपने समय पर जब नीट का पेपर अटेम्प्ट करें तो हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए, तो आइए मैं आपको सिखाता हूँ, वो चीज़ पे फोकस करिएगा। देखिए बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड कुछ बातें आई हैं, है ना। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा इन सब के परे चल करके कुछ कहानी बता दूँ, कुछ समझा दूँ। देखिए, हम सब ने पढ़ा होगा जेनेटिक मटेरियल के बारे में। जेनेटिक मटेरियल की बात करें अगर हम सब, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, DNA और RNA आता है। ठीक है, DNA और RNA, तो ये तो एक पॉलीमर के टाइप के हो गए ना, इनकी कोई मोनोमर यूनिट भी होती होगी, तो इनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जो होती है दो चीज़ों से मिलके बनती है, एक होती है न्यूक्लियोसाइड और एक होती है फास्फेट। ठीक है, ये फास्फेट आयन जो आता है, इसका जो सोर्स है वो है H3PO4।
क्योंकि इसी में बेटा पी ओ फोर ट्रिपल माइनस आ सकता है। इस H3PO4 को हम लोग प्यार से क्या बोल सकते हैं, फास्फोरिक एसिड बोल सकते हैं। ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये दो चीज़ से मिलके बनता है, ये बनता है नाइट्रोजिनस बेस से, नाइट्रोजिनस बेस से, और ये बनता है पेंटोज सुगर से, पेंटोज सुगर से। ये जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं बेटा ये दो टाइप के होते हैं, है ना, ये पेंटोज सुगर जो होती हैं दो टाइप की होती हैं, एक होती है राइबोज सुगर, एक होती है डीऑक्सीराइबोज सुगर। अब इसमें से जो राइबोज सुगर होती है वो पाई जाती है किसमें, आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज सुगर पाई जाती है किसमें, डीएनए में। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं बेटा ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन और एक होते हैं पाइरिमिडीन। प्यूरीन दो टाइप का होता है, एडिनिन और गुआनिन, और पाइरिमिडीन तीन टाइप का होता है, साइटिडीन, यूरिडीन और यहाँ पर थाइमिन। ठीक है, अब एक वर्ड यहाँ पर हमने थाइमिन लिखा, एक वर्ड और होता है सिमिलर वर्ड, उसका नाम है थियामीन। थियामीन विटामिन B1 को बोलते हैं, और थाइमिन नाइट्रोजनस बेस है जो कि किसमें पार्टिसिपेट करता है, न्यूक्लिक एसिड DNA और RNA के फॉर्मेशन में। DNA और RNA को हम लोग क्या बोलते हैं, एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक यानी कि न्यूक्लियस में पाया जाता है सेल के, इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है। ठीक है, अब इतनी सब चीज़ें मैंने बेसिक आपको बता दी, तो आपको इन टर्म से परिचय हो गया कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। आपको ये समझना होगा कि NCERT में ये क्वेश्चन या कहाँ से लिया गया, क्लास 12th की NCERT है बेटा, पार्ट सेकेंड चैप्टर कौन सा है, बायोमॉलिक्यूल, वहाँ से ये लिया गया। किस लाइन से लिया गया क्वेश्चन, अगर आप सब यहाँ देखें तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एलिमेंट, यहाँ पर 10.5.2 ये एक हेडिंग के तहत स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड लिया गया। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, अर यूनिट फॉर्म बाई अटैचमेंट ऑफ बेस टू वन प्राइम पोजिशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, क्या आपकी पहली लाइन ऐसी कुछ है क्या, ए यूनिट फॉर्म बाई द अटैचमेंट ऑफ अ बेस टू वन प्राइम पोजिशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, तो यानी कि ये लाइन तो बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट वन इज कंप्लीटली करेक्ट, ऐसा हम लोग देख रहे हैं साफ साफ, और NCERT का रेफरेंस आपके सामने है, है ना। ये उन बच्चों को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल है कि बेटा मॉड्यूल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, NCERT कोर बुक है, NCERT उठाओ, अगर सिलेक्शन चाहिए तो आज से NCERT उठा लो, सिलेक्शन पहले आपने तैयारी की नहीं हुआ, अब मॉड्यूल छोड़ करके अब NCERT उठा लो। मॉड्यूल और इतनी तरह की तमाम तरह की मार्केट में बरगलाने वाली किताबें हैं उनको प्लीज़ साइड में रख दो बेटा, अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो। डे वन पे अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि अगर मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे सिलेक्टेड मटेरियल ही अपने आसपास स्टडी टेबल में और स्टडी रूम पे मुझे चाहिए, वो जितना कम से कम हो उतना बेहतर है। जिसमें सबसे कोर बुक जो है, जिस अगर कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूशन में आप हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूशन की नोटबुक नंबर एक, नंबर दो कंप्लीट NCERT आपके पास होनी चाहिए, नंबर थ्री आपके पास प्रीवियस ईयर के नीट और JEE के क्वेश्चन होने चाहिए इन केस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। इसके अलावा आप कोई भी चीज़ अपने आसपास मत रखिए। फिर इसके अलावा साल भर आपके पास बढ़ता रहेगा मटेरियल बढ़ेगा टेस्ट पेपर का। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पेपर आप सॉल्व करते जाइए, अपनी जो कमियां हैं, जो टेस्ट पेपर में मिस्टेक्स हो रही है, उन हुई मिस्टेक्स को ला करके आप अपने नोट्स में उन पॉइंट्स में नोट कर लीजिए जहां पर उनकी हेडिंग्स ऑलरेडी लिखी गई हो। मतलब एक कैसा भी नोट्स हो उसको बेस नोट्स बनाइए, NCERT एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट में हुई गलतियाँ, सबका निचोड़ जो है, जहाँ जहाँ गलती हो रही है, जो स्टेटमेंट आपको लग रहा है नोट्स में नहीं है उसको वहीं साइड में नोट कर लीजिए। कहने का मतलब डे वन से ही आप ये स्टार्ट कर दिए, आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि मेरा जो मटेरियल बनेगा बिल्कुल कॉन्साइज होगा, कन्फाइंड होगा, वो फिल्टर्ड होगा, और एकमात्र वही मटेरियल मेरे पास बचेगा कि एट द एंड ऑफ द डे जब एग्ज़ाम से जस्ट पहले वो केओस के फॉर्म में दुनिया भाग रही होगी तो मैं वो अपना मटेरियल लेकर के बैठ जाऊँगी और लगातार उसको हम पढ़ते जाएंगे, और इस एश्योरेंस के साथ कि इसमें मेरा पूरा NCERT कवर है, मुझे इसमें पूरा NCERT एग्जाम्पलर कवर है, प्रीवियस ईयर का मुझे इसमें सब कुछ कवर है, यही इसी में मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, और जहां पर एक आपका चैप्टर एंड हो जब आप नोट्स बनाएं वहीं पर दो पेज रख दीजिए, ब्लैंक रख दीजिए, उसी में आप अपना हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लिया करिए, और उसी में टेस्ट पेपर में जो मिस्टेक्स आ रही हैं वो भी लिख लीजिए।
आपने अभी तक जो किया उस लेवल पे आपके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे जो मिलना था जहां पहुंचना था आप पहुंच गए, जो मिलना था मिल गया आपको। आगे अगर आपको सही जगह पहुंचना है और जो आप सोच रहे हो कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो ये जो बीच में पॉज है, ये जो बीच में गैप, उस गैप को फिल करना पड़ेगा और अपने अंदर वो चीज़ें इन्वॉल्व करनी पड़ेंगी जो उसके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं। अब बेवजह का, कुछ बच्चे होते हैं 2-3 साल उनको तैयारी करते हुए होगा, बेवजह का एटीट्यूड उनमें रहता है, वो एटीट्यूड उनका खुद का घाटा करता रहता है। जैसे उनको कोई समझाएगा तो उनके मन में उसके समझाने से पहले स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे पता है, मतलब ये वाला एटीट्यूड है ना, ये ठीक है, आप क्या बताओगे, इतना तो मुझे आइडिया है। इस एटीट्यूड से आज तक आपका अगर भला हो गया हो तो उसको कंटिन्यू करिए, और अगर नहीं हुआ है तो उस एटीट्यूड को चेंज करने का समय आ गया है। जैसे कहते हैं ना कि पेड़ में फल लगता है तो फल झुक जाता, तो वो पेड़ जो होता है वो झुक जाता है ना। तो जितनी ज़्यादा आप में ज्ञान, जितना ज़्यादा आप में नॉलेज आएगा ना, उस नॉलेज, उस ज्ञान, उस इल्म की वजह से आपका जो बिहेवियर होगा ना वो बदलता जाएगा, वो सरल होता जाएगा, सहज होता जाएगा, वो सरस होता जाएगा, वो ऐसा होगा कि एक्सेप्टेंस के लिए तैयार होगा। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना होगा। आपको एटीट्यूड और ईगो से काम नहीं बनने वाला है। आपको झुक करके कोई समझा रहा है, दो बातें लगता है ये काम की चीज़ें समझ लेना है, कहीं आता है तो ये कि भैया हमें आता है, हम ये वाला तब तक हम कुछ और रिवाइज कर लेते हैं। आपके व्यवहार में जितनी शालीनता होगी वो आपको उतना ही ज़्यादा अपने कनेक्शन की तरफ, आपके ड्रीम की तरफ कनेक्टेड रखेगी, आपके एम की तरफ कनेक्टेड रखेगी, और उतना आसानी से आप अपने टारगेट की तरफ बहुत आसानी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो पहली लाइन आपको समझ में आ गई। अब दूसरी लाइन यहाँ पे आइए, पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू अ फास्फोरस एसिड। ये देखो फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। फास्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO3। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये केवल 2H+ रिलीज कर पाएगा, तो ये जो बचेगा वो बचेगा HPO3-2 बचेगा। आपको यहां पर क्या जोड़ा गया, अभी मैंने क्या आपको सिखाया, फास्फेट आयन। फास्फेट आयन का सोर्स क्या बताया, H3PO4। H3PO4 क्या है, फास्फोरिक एसिड, और यहां पर तो लिखा है फास्फोरस एसिड। आइए एनसीईआरटी में देखते हैं बात कैसे लिखी है। यहां पर लिखा है इन न्यूक्लियोसाइड द सुगर कार्बन आर नंबर्ड एज 1', 2', 3' एटसेट्रा इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसिस, है ना, ये हो गया। फिर आगे देखिए, यहां से पढ़िए, व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक टू अ फास्फोरिक एसिड। क्या लिखा है, फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4, जिसे ऑर्थो फास्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, वो 3H+ निकालता है, यही उसकी बेसिसिटी होती है, यही उसका बैलेंसी फैक्टर होता है। यहां से निकला 3+ तो PO4 के ऊपर लगा 3-, यही PO4 ट्रिपल माइनस, यही हमारा फॉस्फेट आयन कहाँ जुड़ता है, 5' पोजीशन ऑफ द सुगर मोइटी, तब जाकर के न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है वो गलत है, और किस वजह से गलत है, फास्फोरस एसिड की वजह से गलत है। अब अगर आपने इतने इत्मीनान के साथ, इतने अच्छे तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज पे काम नहीं किया है, तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में जाकर को 100% कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके 640, 650, 670 वाले बच्चे हैं, वो तक आकर के इस क्वेश्चन में परेशान हैं, है ना, हैरान हैं, और शायद इस क्वेश्चन का एक से अलग अलग कोचिंग वालों ने अलग अलग आंसर दे रखा है। हो सकता है जल्दबाजी में उन्होंने कुछ गलत बोल दिया हो, कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती हैं गलतियाँ, लेकिन आपको उन पर डिपेंड नहीं रह करके आपको सही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन तक पहुँचने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जहाँ लिखा स्टेटमेंट 1 is true एंड स्टेटमेंट 2 is false, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर विल बी 3। सब लोग अच्छे से देख लो, है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो वो समझ लो। यहाँ पर नीचे डायग्राम भी बना हुआ है, एनसीईआरटी का कट पेस्ट मैंने यहाँ पे लगा दिया है ताकि आप आसानी से रेफरेंस भी ले सकें। इस तरह से पहले क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो क्वेश्चन कहाँ से था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था, और क्वेश्चन कहाँ से था, बायोमोलिक्यूल, सेकेंड एनसीईआरटी, यहाँ से लिया गया था, और कम्प्लीटली एनसीईआरटी से लिया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलें। सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ये किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर कुछ ग्रुप लिखे गए हैं, तो आइए मैं आपको पहले ग्रुप से परिचय करा दूं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा है CH3, इसको आप क्या बोलेंगे, ईथेन। ईथेन से जब एक आप हाइड्रोजन हटाते हैं तो यहाँ जो ग्रुप बनेगा ये बनेगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड। ये एक कंपाउंड है, और चूंकि इसमें एक वैलेंसी यहां पर खाली है, ये वैलेंसी किसी और से जुड़ने के लिए तैयार है, इसलिए ये कहलाएगा रेडिकल।
रेडिकल जितने भी बनते हैं वो बहुत ही हाईली रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं और रिएक्टिव होने की वजह से किसी से भी आसानी से तुरंत जाकर के रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इथेन से इस तरह से जो बना ये क्या कहलाएगा बेटा, इथाइल कहलाएगा, क्लियर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइल, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया इस पोजीशन से तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड और ये कहलाएगा एलाइल। इसी तरह से अगर हमारे पास मान लेते हैं बेंजीन है और बेंजीन से यहाँ एक हाइड्रोजन मान लेते हैं क्योंकि C6H6 है, 6 हाइड्रोजन है इसके पास, एक हाइड्रोजन यहाँ से अगर हम हटा दें तो फिर यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा ये रेडिकल बनेगा, ऐसे बनेगा, ये कहलाएगा अराइल या फिर ये कहलाएगा फिनाइल, ठीक है, या इसे हम लिखेंगे AR के फॉर्म में या हम इसे लिखेंगे PH के फॉर्म में, क्लियर। और फिर अगर मान लीजिए हमारे पास टोलुबीन है और ऐसे लिखा है और टोलुबीन में ऊपर लगे हुए CH3 के एक हाइड्रोजन हटा दें तो यहाँ पर जो ग्रुप बनता है वो बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड और ये बेटा जो ग्रुप कहलाएगा वो कहलाएगा बेंजाइल। यहाँ से एक और हाइड्रोजन हटा दें हम लोग तो यहाँ पर जो ग्रुप बनेगा, यहाँ पर CH के बाद दो वैलेंसी खाली हो जाएगी, ये कहलाएगा बेंजल, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, ठीक है। तो ये तीन तरह के ग्रुप हो गए। अब मैंने आपको कितने सारे रेडिकल दे दिए है ना, अल्काइल रेडिकल दे दिया, जैसे इथाइल दिया गया है इसी तरह से। अब इथाइल में देखो, अब इसके आगे दो कंडीशन है, अगला हाइड्रोजन हम कहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं और यहाँ से भी हटा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से आगे कंडीशन है जिसमें आप फिर जेम और विक इस तरह के ग्रुप्स आ जाएंगे, इस तरह के रेडिकल आ जाएंगे बेसिकली। तो ये कुछ रेडिकल्स हैं, आइए देखते हैं इसमें कौन सा रेडिकल है ना। आप देखेंगे जाहिर सी बात है यहाँ बेंजीन से तो हाइड्रोजन हटाया नहीं गया, ठीक है ना। ये जो अगर हाइड्रोजन हटता तो एक्स वहीं लगता, एक्चुअल में एक्स जहाँ लगा है वहीं पर वैलेंसी खाली रही होगी। आप थोड़ी देर को मानिए कि एक्स यहाँ पर नहीं है तो ये वैलेंसी कहाँ खाली है, CS से लगी हुई है ना, ये वैलेंसी बेंजीन के साथ तो लगी हुई नहीं है या बेंजीन के ऊपर CH2 के साथ तो लगी नहीं हुई है, तो इसका मतलब कि ये एराइल नहीं है और ये साथ में क्या नहीं, बेंजाइल नहीं है। बिनाइल होने के लिए आपको मैंने बताया दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एलाइल। और एलाइल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पर हमने बना दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। तो अगर हम इसको देखें CH, अगर ये मान लो इसको CH2 मान लें, उसका एक हाइड्रोजन हटा के हमने यहाँ पर बेंजीन लगा दिया तो यही इस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अलाइल हैलाइड। अब ये क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, क्वेश्चन का रेफरेंस है बेटा इसका, वैसे इसको डायरेक्टली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं तो मेरी पहली क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो होती है शुरुआत के 2-3 दिन, तो ऐसा कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लोग पढ़ाते नहीं है, बट यहाँ पे मैं अलग तरीके से उसको कराता हूँ कि फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग से बना करके, सेगमेंट बना करके हम इसको पढ़ाते हैं जिसमें हर वो चीज़, जितनी सारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जितने सारे इंपॉर्टेंट रेडिकल्स हैं, जितने ग्रुप्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, जितना उनके बारे में इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब स्टार्टिंग में कवर कर लेते हैं, जिससे कि आने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप आसान होती जाए और वहाँ पर रह रह के स्ट्रगल ना हो, है ना। ये चीज़ें हमें स्टार्टिंग में कर लेने से बहुत बेहतर हो जाएगा, उसी का ये नतीजा है यहाँ पर, ये इस तरह से है। रही बात कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ मिलेगा ये, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जगह कहीं नहीं, मतलब NCERT में कहीं एक जगह नहीं मिलेगा ये, NCERT में अलग अलग जगहों पे दिया गया है। यहीं पर आपको एक सही मेंटोर, सही गाइडेंस और एक सही नोट्स की जरूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों के परेशानी की वजह ही यही है कि टीचर फंडामेंटल ना पढ़ा करके सीधा सीधा कूद पड़ते हैं कि चलो भाई आज आते ही डे 1 पे IUPAC हेडिंग डालो, शुरू हो जाओ, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ो, फिर लेके आगे GOC, जैसे GOC में रिंग बनाना स्टार्ट किया, रेजोनेंस आया, बच्चों के दिमाग से ऊपर जाने लगा, भाई अब ये दिमाग में नहीं जा रहा है, क्या हो गया पता नहीं। समस्या यही है, पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए, कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप क्यों ना कर रहे हो, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि सबसे पहले आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। एज अ टीचर अगर आप लोग इसको देख रहे हैं तो एज अ टीचर आपको पहले फंडामेंटल ही बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तब जा करके बच्चों के दिमाग से साइकोलॉजिकली फियर जो उस टॉपिक को लेकर के बच्चों के मन में है वो हटेगा वहाँ से, तब जाके उस सब्जेक्ट में उसकी पकड़ बनेगी। ये एक अच्छे मेंटोरशिप का नतीजा हो सकता है, ये उसका तरीका हो सकता है, ठीक है। तो चूंकि ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ टीचर हम लोगों की कि बच्चों को टफ से टफ टॉपिक को आसान बता करके उनके दिमाग में पहुंचाना,
तभी बच्चा उससे डर खत्म होगा और वो जो एक ख्वाब लेकर के यहाँ तक पहुँच रहा है उसका सपना टूटेगा नहीं, और सही समय पर सही कॉलेज में पहुँच करके वो भी स्वाभिमान और अभिमान और अच्छे तरीके से कह पाएगा कि हाँ हमने भी इन टीचर से पढ़ाई करी है। बरगलाने वाला काम हमें बंद करना होगा किसी भी तरीके से, है ना। आइए फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो यहाँ पर ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए एक बार। लिखा है हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल, क्वेश्चन पूछा गया नॉट करेक्ट। पहली बात तो बेटा क्वेश्चन में बहुत अच्छे से करेक्ट नॉट करेक्ट पढ़ना आपको आना चाहिए। मान लो किसी ने ध्यान नहीं दिया और यहाँ पढ़ दिया मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, तो क्या पता करेक्ट आंसर लगा के चला आए। तो टॉप और बॉटम में आपको, इसलिए मैं क्लास में आपको याद करो तो एग्जाम में जाने से पहले कहता था बेटा कोई भी क्वेश्चन बिना हेड टू टेल पढ़े, बिना शुरू से लेके अंत तक पढ़े, कभी भी आप उसके आंसर सबमिट मत करिएगा। यही इसीलिए मैं बोलता था आपसे, है ना। तो चलिए एक तरफ से करने की कोशिश करते हैं। क्लास नोट्स में मैंने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें करके एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैं चूंकि आज एनसीईआरटी की तरफदारी करने आया हूँ, मैं हमेशा अपने बच्चों से कहता था बेटा कंप्लीट पेपर एनसीईआरटी से आएगा। स्टेटमेंट वन ये देता था मैं, स्टेटमेंट टू ये कहता था, लेकिन आपको एनसीईआरटी नहीं उठाना है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पैराग्राफ हर क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैंने हर एक क्वेश्चन आपको क्लास में कराया था। इस वजह से कह रहा था कि जब मैं एनर्जी इतनी लगा करके आपके लिए खड़ा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप क्यों परेशान होंगे कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो। आप तो नोट्स पढ़ो, उसमें सब मैंने सम्मिलित कर दिया है, हर चीज़ समझा दिया पढ़ा दिया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर देखो है, पहली लाइन हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। आइए हम एनसीईआरटी में देखते हैं क्या लिखा है। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। एग्जैक्टली ये सब एनसीईआरटी के ही पैराग्राफ हैं, मैंने उसको टाइप भी नहीं किया, मैंने क्या पूरा कट पेस्ट करके रखा है ताकि आपको दिखे कि हाँ एनसीईआरटी क्या है सब कुछ ये। तो पहली लाइन लिखी गई है कि हाइड्रोजन यूज टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए अपने पास कोई मेटल ऑक्साइड है, जैसे मान लीजिए कोई भी ले लेते हैं मेटल ऑक्साइड मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करता है मेटल ऐसे बना देगा और ये ओ के साथ निकल जाएगा H2O के फॉर्म में, ऐसे यूज होता है। ये जो प्रोसेस है इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, मेटलर्जिकल प्रोसेस में करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, हैवी वाटर यानी कि फॉर्मूला क्या है, D2O। D2O इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। आइए देखिए यहाँ क्या लिखा है, D2O के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इन एक्सचेंज रिएक्टर्स फॉर द स्टडी ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिन बच्चों ने पढ़ाई करी होगी उन्होंने देखा होगा कि वहाँ पर कई जगह H2O को रिप्लेस कर देते हैं किससे, D2O से, हैवी वाटर से, और फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं। उसका रीज़न क्या है कि जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम बॉन्ड है या ड्यूटेरियम ऑक्सीजन बॉन्ड है वो थोड़ा सा लेट से ब्रेक होता है, तो रिएक्शन उसकी स्लो होती है और स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स बनाती हैं, तो आसानी से उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडीज की जा सकती हैं इस वजह से, ठीक है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा है वो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है। तीसरा, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड टू इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट फॉर द हाइड्रोजनेशन बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स लाइक सोयाबीन कॉटन एंड सीड्स। दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा है कि क्या बनाने के लिए, मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि पॉली अनसेचुरेटेड वेजिटेबल्स ऑयल, ये सब हम यहाँ से क्या बनाते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट। तो ये लिखा यहाँ पर कि हम वनस्पति फैट बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आप देख रहे हो एनसीईआरटी से ही ये भी लाइन ली गई है, ठीक है। मैं आपकी सहूलियत के लिए बता दूं कि अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड है यानी कि उसमें कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन जब उससे रिएक्शन करता है तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, वो बॉन्ड ब्रेक होता है, एक एक हाइड्रोजन दोनों साइड जुड़ जाता है और वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। हाइड्रोजिनेशन या रिडक्शन नाम का मेथड जो होता है वो इसी में इस्तेमाल होता है। जो हम इसमें रिएजेंट लेते हैं वो लेते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम या निकल। निकल एक ऐसी मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेने निकल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिसमें निकल ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं, एलॉय बना लेते हैं, पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इस तरह से। अगर निकल को हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो चूंकि वो ज़्यादा सर्फेस एरिया कवर करेगा तो उसकी जो कैटालिटिक पावर है वो बढ़ जाएगी, तो इसका यूज भी बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा, ठीक है।
आगे लिखा है द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोवेस्ट एज कम्पेयर टू द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। बेटा जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, तो इनकी जो ओवरलैपिंग, जो ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये किस ओवरलैपिंग से बनता है? ये 1s 1s ओवरलैपिंग से बनता है, और 1s 1s ओवरलैपिंग से बनने वाला ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो डिसोसिएशन एनर्जी दी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा लगती है। यहाँ पर एनसीईआरटी में देखो साफ साफ लिखा है द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज द हाईएस्ट फॉर द सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो यहां पर क्या लिखा गया है कि किसी भी सिंगल एटम से आप कंपेयर करोगे, मतलब सॉरी सिंगल एटम के बीच में कंपेयर करोगे, तो हमेशा H और H के बीच की जो बॉन्ड एनर्जी आएगी बहुत ही ज्यादा आएगी, क्योंकि इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बहुत कम है, 1s 1s की ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, यही रीज़न है। तो इस तरह से चूंकि इसमें हाईएस्ट कह रहा है, और यहाँ पर क्या बोला गया है देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या बोला गया है, लोवेस्ट बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अगला है हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। एक और देखिए लाइन यहाँ पर लिखी गई है, रिएक्शन विद मेटल आयन विद मेटल ऑक्साइड के साथ, कि इट रिड्यूसेस सम मेटल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन एंड ऑक्साइड ऑफ मेटल्स लेस एक्टिव देन आयरन। आगे बात समझ में, ये ऐसी मेटल को रिड्यूस करता है जिनकी रिएक्टिविटी, अगर रिएक्टिविटी की बिहा पे देखा जाए तो जो हाइड्रो आयरन से कम रिएक्टिव होती हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जबकि यहाँ बोला गया है मोर एक्टिव देन आयरन। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। साफ साफ आप देख रहे हो कि आपका जो डी और ई हो गया वो प्रॉपरली इनकरेक्ट हो गया, और आपसे इनकरेक्ट ही नॉट करेक्ट ही पूछ रहा है, तो डी और ई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आप देख लो, आसानी से मैच करा लो, कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो बताओ, है ना। किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं सर इसको तो ऐसा होना चाहिए था वैसा होना चाहिए था, आप प्रॉपर कॉमेंट सेक्शन में क्वेश्चन अपनी बात लिखिएगा, है ना, सही शब्दों में आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। ठीक है बेटा, चलिए समझ में आ गया। अगेन आपने ये देखिए प्रूव किया ना कि कंप्लीट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन, मैंने उसी सीक्वेंस में एनसीईआरटी नोट किया यहाँ पर जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 54। अमंग द गिवन ऑप्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट एज अ लुईस एसिड। अब ये क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे भी हमारे पास आए और जिनके 645 670 के आसपास मार्क्स हैं, और उनका कहना था कि सर अब आप बताइए सर ये वाला मेरा गलत हो गया। तो मैंने उनसे कहा बेटा कि मैं ये बात समझता हूँ, ऐसा कई बार होता है, मेरे साथ खुद भी प्रिपरेशन टाइम में ऐसा होता था कि इस लेवल का पढ़ के जाते थे कि छोटी मोटी गलतियाँ इस तरह लेवल की हो जाती थी। तो याद हो आपको, इसी के बिहा पे मैं आपसे पूरे साल भर क्लास में बोलता रहता था कि बेटा अगर सिलेक्शन रोकेगा और रैंक ख़राब करेगा तो आसान क्वेश्चन करेगा जो कि आपको बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन आप फिर भी पता नहीं आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा कि आप कुछ और टिक कर दोगे। उसी का एक एग्जांपल ये था, अच्छे अच्छे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया जबकि नहीं होना चाहिए था, मतलब ये 4 मार्क्स तो आपको 100% मिलने थे जबकि आप ये 4 मिले भी नहीं और एक माइनस में भी हो गया, है ना। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है पहले से, इसका जो रेफरेंस है वो आयनिक इक्विलिब्रियम से भी ले सकते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें लुईस एसिड की और फिर बात करें लुईस बेस की, तो लुईस एसिड वो होते हैं जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फ्रॉम ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब कि अगर इसके सेंट्रल एटम को 8 इलेक्ट्रॉन रखने थे, कैरी करने थे, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, है ना। कौन ऐसे काम करेंगे, मोस्टली पी ब्लॉक में जो 13 ग्रुप है यानी कि बोरॉन फैमिली है, ज़्यादातर उनके कंपाउंड ऐसा काम करते हैं। फॉर एग्जांपल BF3 टाइप के कंपाउंड ऐसे हो गए, और भी एग्जांपल हो गए, BeCl2 एग्जांपल हो गया, ऐसे तमाम एग्जांपल है जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और भी लुईस एसिड के एग्जाम्पल वो भी हो सकते हैं जिनके पास, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिख दिया PCl5, PCl5 में ये जो फास्फोरस है जो कि जुड़ा किससे है, क्लोरीन से, और क्लोरीन फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है बेटा। तो इस चक्कर में क्या होगा कि फास्फोरस क्लोरीन से जुड़ा होने की वजह से क्लोरीन हमेशा उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा, तो फास्फोरस के जो एटम है उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रॉन की डेफिशियंसी बनी ही रहेगी, है ना। आगे चल करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एज अ इलेक्ट्रोफाइल हम इस्तेमाल करेंगे, एज एन इलेक्ट्रोफाइल इस्तेमाल करेंगे, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है आगे चल करके।
लुइस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर क्या होते हैं, डोनर होते हैं, और इसमें क्या होता है, इनका सब कुछ फुलफिल होता है। ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई पॉजिटिवली चार्ज ऐसा नहीं हो सकता जो लुइस बेस की तरह काम करे, ठीक है। एग्जाम्पल इनके ग्रुप 15-16 वाले जो भी होते हैं कंपाउंड, वो हो सकते हैं। आप इसमें देखेंगे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पर वाटर के पास ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है। BF3 में बोरान का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो तीन बॉन्ड ऐसे बना देंगे, हर एक कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 8 नहीं हुए, 8 मतलब 2 की कमी है, 2 की कमी है मतलब लुईस एसिड है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, BF3। और OH- में ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज लगा, यही नेगेटिव चार्ज किसी को प्रोवाइड करके लुईस बेस कहलाएगा, यानी कि लोन पेयर डोनर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो लिखा है लुईस एसिड, ये जैसे मांग रहा हो ला, है ना, LA ला, यानी कि लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए परेशान है ये, है ना, इस तरह से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये देखिए यहाँ पर अपने पास है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम अपस्कोर क्लास नोट से भी है ये, है ना, डायरेक्टली ये सब चीज़ें क्लास में डिस्कस की गई थी। बोरान एंड कार्बन फैमिली पी ब्लॉक की NCERT आप उठाएंगे तो उसमें अलग अलग सेगमेंट में ये सब चीज़ें छोटी छोटी करके मिल जाएंगी। देखिए कोक मतलब यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन। कार्बन को बेटा हम लोग इस्तेमाल करते हैं कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। डायमंड को हम लोग अगर हम देखें तो डायमंड का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है, फुलरीन जो होता है वो एक केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ग्रेफाइट को हम लोग इस ड्राई लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इतने से हमारा काम हो जाएगा, वो हम मैच करा लेंगे। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें ये समझनी, जैसे हम फुलरीन की बात कर रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये जितना भी आप यहाँ पे लिखा हुआ है ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स यानी कि अपर रूप हैं, है ना। तो उसके दो फॉर्म होते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, मॉर्फस होता है। क्रिस्टलाइन में होते हैं हमारे पास तीन होते हैं, डायमंड होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरीन होता है। डायमंड और ग्रेफाइट में डिफरेंस बहुत अच्छे से हमें समझ में आना चाहिए। डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है और सॉलिड स्टेट में भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायमंड की बात करेंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता है, ठीक है। आप नेचुरली अगर सब्सटेंस जो एग्जिस्ट करते हैं उनमें बात करेंगे तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, है ना। डायमंड में इम्प्योरिटी होती है, डायमंड में डैंगलिंग बॉन्डिंग पाई जाती है। डैंगलिंग बॉन्डिंग ये होती है कि सरफेस पर जो कार्बन पाए जाते हैं यानी कि बाउंड्री पर, एजेस पे जो कार्बन पाए जाते हैं वो किसी और से लिंक नहीं हो सकते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में जो भी प्रेजेंट हैं उन इम्प्योरिटीज से बॉन्डिंग कर लेते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड, ठीक है। ये किस में पाया जाता है, डायमंड में। तो डायमंड में चूंकि इम्प्योरिटीज से बॉन्डिंग हो रही है, इस वजह से ये कभी भी प्योर फॉर्म या प्योरेस्ट फॉर्म नहीं कहलाएगा, क्लियर। दूसरा हमारे पास है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये सीट लाइक या लेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर स्लाइड करती है। दो लेयर के बीच में जो वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, इसका यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट होता है, ऐसी मशीन में जहाँ पर, ऐसे प्लांट्स में जहाँ पर कि हाई टेम्परेचर पर जो ऑयल या ग्रीस होता है वो वेपराइज हो जाता है, वहाँ पर एज अ ड्राई लुब्रिकेंट हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रेफाइट का। कंडक्टिविटी शो करता है, कंडक्शन शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, वो डीलोकलाइज होता है बिटवीन दी लेयर्स, है ना, इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें ग्रेफाइट के बारे में हो गई। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, जो आपने ZnS पढ़ा था एग्जैक्टली उसी की तरह होता है, तो वहाँ से सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन आप इसके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फुलरीन के बारे में बात करें बेटा, तो ये जो फुलरीन है, ये फुलरीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कई फॉर्म में होता है, जिसमें एक C60 बड़ा फेमस है जिसे हम बकमिस्टर फुलरीन या बकी बॉल के नाम से जानते हैं। ये केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, सॉसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसमें पेंटागन और हेक्सागन होते हैं, है ना, तो इस तरह से इसको देखा गया है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो देखो बात वही रही बेटा कि कंप्लीट NCERT आया या आपने ठीक ठाक नोट्स पढ़ रखा है, तो नोट से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया हुआ था, ऑलरेडी मैंने आपको ये डिस्कस किया हुआ था क्लास में। अगला